हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी पार्ट ऑफ कैश बजट सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ कैश बजट की कैश बजट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है तो वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है वो वीडियो का बेस ही इसी में कंटिन्यू होगा तो वो पॉइंट में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी कि कैश बजट में कैश सेल्स कैसे कैलकुलेट करना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैसे कैलकुलेट करना है उसको अभी एक कंप्लीट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे सो दैट आपकी सारी चीजें एक एक करके क्लियर होंगी दिस इज द क्वेश्चन दैट इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर वन प्रिपेयर कैश बजट फॉर थ्री मंथ्स एंडिंग फ्रॉम अप्रैल टू जून तो हमें कैश बजट बनाना है अप्रैल से लेके जून का मतलब ये तीन मंथ्स के लिए हमें कैश बजट बनाना है ध्यान से जब भी कैश बजट के बारे में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कैश बजट कितने मंथ्स के लिए प्रिपेयर करना है िकॉज इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे मंथस का दिया रहेगा जैसे यहाँ पे जनवरी से लेकर जून तक का इंफॉर्मेशन दिया है लेकिन वी नीड टू प्रीपेयर बजट फॉर अप्रिल टू जून हमें अप्रिल से लेकर जून तक का ही बजट प्रिपेयर करना है वी हैव द पॉइंट सेल्स परचेसेस वेजेस एंड एक्सपेंसेस तो हमारे पास चार पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है सेल्स है परचेजेस है वेजेस है और एक्सपेंसेस है फिर एडजस्टमेंट कह रहा है कि टेन परसेंट ऑफ द परचे आर ऑन कैश अगर टेन परसेंट कैश रहेगा तो फिर क्रेडिट कितना रहेगा बाकी का नाइन्टी परसेंट आपका क्या रहेगा नाइन्टी परसेंट आपका क्रेडिट रहेगा फर्दर अगर देखें तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश तो ट्वेंटी परसेंट अगर सेल्स कैश में रहेंगे तो क्रेडिट कितना रहेगा एटी परसेंट हमारा क्या रहेगा एट्टी परसेंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाफ मंथ ओके एंड क्रेडिट परचेजर और हाफ नेक्स्ट मंथ लिख देखेंगे फिर परचे वन मंथ का क्रेडिट है फिर आपको कैश बैलेंस दिया है फर्स्ट अप्रिल का फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड नाइनटीन यहाँ पे फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड नाइनटीन

वर्किंग नोट बनाते वक्त हमेशा जितने पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में दिए हैं सारे के सारे पॉइंट्स आप पहले कॉपी कर लो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेल्स की वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं सेल्स की वैल्यू है एटी थाउजेंड फिर हमारे नेक्स्ट में फेब्रुवरी में भी दिया है एटी थाउजेंड मार्च में दिया है सेवेंटी फाइव थाउजेंड अप्रैल में दिया है इट्स नाइनटी थाउजेंड मे में दिया है एटी फाइव थाउजेंड एंड जून में दिया है अगेन एटी थाउजेंड एडजस्टमेंट क्या था कि ट्वेंटी परसेंट सेल्स क्या होंगे कैश होंगे तो बैलेंस क्या होंगे क्रेडिट होंगे तो चलो फिर सबका ट्वेंटी परसेंट ढूंढ़े एटी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट ढूंढेंगे सिक्सटीन थाउजेंड यहाँ पे भी आएगा सिक्सटीन थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट ढूँढेंगे तो आएगा फिफ्टीन थाउजेंड यहाँ पर आएगा नाइन्टी का ट्वेंटी परसेंट विल बी एटीन थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट विल बी सेवनटीन थाउजेंड एट्टी का ट्वेंटी परसेंट अगेन इट सिक्सटी थाउजेंड अभी आपको क्या करना है एट्टी थाउजेंड में से माइनस करना है माइनस करेंगे तो भी मिलेगा एट्टी परसेंट ढूंढेंगे तो भी मिलेगा सिक्सटी फोर थाउजेंड अगेन इट इज सिक्सटी फोर थाउजेंड सेवेंटी फाइव माइनस फिफ्टी का फिफ्टीन करेंगे तो इट्स सिक्सटी थाउजेंड नाइन्टी माइनस एटीन थाउजेंड करेंगे तो इट विल बी सेवेंटी टू थाउजेंड एट्टी फाइव माइनस सेवनटीन करेंगे तो दैट विल बी करेंगे तो दैटी सिक्सटी फोर थाउजेंड तो ये हमारा हो चुका है कैश सेल्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आती जो तो हमारा क्रेडिट सेल्स होता है यही हमारे लिए एडजस्टमेंट का काम करता है यही पॉइंट के ऊपर एडजस्टमेंट होती है लेट अस फर्स्ट चेक देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाफ मंथ क्या दिया है एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना मंथ है हाफ मंथ तो जब भी हाफ मंथ आएगा हमें क्या करना है हाफ ड्यूरिंग द मंथ और हाफ नेक्स्ट मंथ मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट सेल्स जो है उसके लिए एक वर्ड आता है विच इज कॉल्ड एज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो अभी हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए काउंट करेंगे तो मैंने यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैसे काउंट होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हाफ ड्यूरिंग द मंथ हाफ नेक्स्ट मंथ अभी देखो ध्यान से यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाफ ड्यूरिंग द मंथ बोला है हाफ नेक्स्ट मंथ बोला है सबसे पहले यहाँ पे डैश कर देंगे ठीक है अभी सिक्सटी फोर थाउजेंड का हाफ सिक्सटी फोर थाउजेंड का हाफ कितना होता है सिक्सटी फोर थाउजेंड का हाफ होता है थर्टी टू थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड ड्यूरिंग द मंथ लिखेंगे और थर्टी टू थाउजेंड यहाँ पे नीचे लिखेंगे हाफ नेक्स्ट मंथ बोला तो ऐसे क्रॉस क्रॉस लिखना फिर सिक्सटी फोर थाउजेंड का अगेन अगर काउंट करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी तो सेम वैल्यू अभी हमको लिखना है यहाँ पे आपका बनेगा अगेन 32, यहां पे फिर से नीचे 30, Then 60, का हाफ करेंगे तो सिक्सटी सिमिलरली आपको यहाँ पे लिखना है थर्टी थाउजेंड ओवर का हाफ करेंगे तो आएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड यहाँ पे हम सिक्स थाउजेंड यहाँ पे भी आ जाएगा आपका थर्टी सिक्स थाउजेंड क्रॉस क्रॉस देन सिक्सटी एट थाउजेंड का हाफ करेंगे तो आएगा थर्टी फोर थाउजेंड तो यहाँ पे आ जाएगा थर्टी फोर थाउजेंड यहाँ पे भी आ जाएगा थर्टी फोर थाउजेंड सिक्सटी फोर का हाफ करेंगे तो आएगा थर्टी टू थाउजेंड यहाँ पे थर्टी टू थाउजेंड और अगला मंथ हमारे पास नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे अभी देखो हमको कैश बजट कितने मंथ्स का प्रिपेयर करना है हमको सिर्फ थ्री मंथ्स का प्रिपेयर करना है अप्रैल मई और जून तो अप्रैल मई और जून का ही टोटल करो बाकी का टोटल नहीं करेंगे तो भी चलेगा एक्स्ट्रा है आपके ऊपर डिपेंडेंट है बट तीन महीने का तो टोटल हमको आएगा ही आएगा बिकॉज वो हमको लगने वाला है दैट विल बी सिक्सटी सिक्स थाउजेंड ओवर हियर एंड दिस आंसर विच वी हैव गॉट नाउ दिस वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इन द फॉर्मैट एंड दिस इज कॉल्ड एज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अब ध्यान से ये पूरे फॉर्मैट में से ये पूरे वर्किंग नोट्स में से हम हमारे कैश बजट के जो तो फॉर्मैट है ये तो वर्किंग नोट चल रहा है कैश बजट का जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या लिखेंगे तो इसमें से सिर्फ हम ये जो कैश सेल्स दिख रहा है आपको कैश सेल्स अलग पेन से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको पता चले तो ये जो कैश सेल्स है आपके पास अवेलेबल ये कैश सेल्स सिक्सटीन सिक्सटीन फिफ्टीन एटीन सेवनटीन और सिक्सटीन यही हमको लिखना है और ये जो अभी हमने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यहाँ पे ढूंढा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये ही हमको हमारे फॉर्मेट में लिखना है बाकी कुछ भी हमको हमारे फॉर्मेट में नहीं लिखना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन तो डू रिमेंबर दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसी तरीके से आपको आगे भी हम वर्किंग नोट करते रहेंगे अब अगला पॉइंट परचेसेस का ऐसे ही कर लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम परचेसेस की वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं परचेजेस की वैल्यू में यहाँ पे लिखता हूँ जो आपके क्वेश्चन में दी है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लेना बाद में फोर्टी फाइव थाउजेंड फिर फोर्टी थाउजेंड फिर मार्च में है आपका फोर्टी टू थाउजेंड अप्रिल में है फिफ्टी थाउजेंड फिर मे में है फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड जून में है आपका थर्टी फाइव थाउजेंड तो फर्स्ट स्टेप हमने परचेजेस को कॉपी कर लिया सेकेंड स्टेप है आपका टेन परसेंट बोल रहा है कि टेन परसेंट कैश है तो कैश परचेजेस टेन परसेंट है टेन परसेंट ढूंढना बहुत ईजी है सब में से एक एक जीरो कम कर दो यहां पर आएगा फोर थाउजेंड पे आ जाएगा फोर थाउजेंड टू हंड्रेड यहाँ पे आ जाएगा फाइव थाउजेंड दिस विल बी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड दिस विल बी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगेन टेन परसेंट अगर हम माइनस करेंगे फोर्टी फाइव थाउजेंड में से आपको क्या करना है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करना है तो आपको क्रेडिट मिलेगा क्रेडिट परचेज दैट विल बी फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओवर फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड यहाँ पे आ जाएगा थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड पे आ जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड यहाँ पे आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेम और थर्टी फाइव थाउजेंड में से थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड गया तो आ जाएगा थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी इसमें से फिर से हाईलाइट कर लेंगे तो ये जो कैश परचेजेस है कैश परचेजेस यही हम हमारे फॉर्मेट में लिखेंगे ये जो आपको कैश परचेजेस आए हैं ये हम हमारे फॉर्मेट में लिखेंगे बट परचेजेस हमारे लिए

फर्स्ट मंथ में डैश मार देना है आपको फर्स्ट मंथ में क्या करना है डैश मार देना है फर्स्ट मंथ में हम डैश मारेंगे तो अभी हमको क्या करना है देखो ये क्रेडिट वाला जो ऊपर कैलकुलेट किया है वही सारी चीजें इधर कॉपी करनी है जैसे ये क्रेडिट का है ये इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे जनवरी का फेब्रुवरी में आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फेब्रुवरी का मार्च में आएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड मार्च का अप्रैल में आ जाएगा थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड अप्रैल का मे में आ जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड मे का जून में आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड जून का जुलाई में आएगा लेकिन जुलाई हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे हम हमारे फॉर्मेट में कौन सा पॉइंट लिखने वाले हम हमारे फॉर्मेट में यही पॉइंट लिखेंगे जो अभी आपने कैलकुलेट किया दैट मीन्स आई एम डूइंग अ टिक मार्क ओवर हियर तो परचेजेस में से हम कैश परचेज लिखेंगे एंड वी विल बी राइटिंग पेमेंट टू क्रेडिटर सिमिलर वे से हम अभी वेजेस का कैलकुलेशन करने वाले हैं तो वेजेस के लिए एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं वेजेस के लिए एडजस्टमेंट अगेन हाफ मंथ है तो वेजेस की अमाउंट देखो ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी टू पहले उसको एक बार कॉपी कर लेते हैं हमारे फॉर्मेट में दैट विल बी बेटर फॉर अस टू रिमेंबर देन वेजेस का वैल्यू जो है उसको एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो वेजेस की वैल्यू है हमारी वेजेस की वैल्यू जो हमारी है वो पहले यहाँ पे लिख लेंगे दैट विल बी बेटर ताकि हम

हाफ ड्यूरिंग द मंथ और हाफ नेक्स्ट मंथ देखो अभी कैसे करना है सेम वे ट्वेंटी थाउजेंड का हाफ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ वरना आप फिर प्लस करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा दिस इज दी वैल्यू ऑफ वेजेस तो अभी वेजेस को हम डिवाइड करने वाले हाफ आएगा आपका टेन थाउजेंड थोड़ा कलर अलग से लिखता हो ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो जाए यहाँ पे आ जाएगा टेन थाउजेंड ओवर हीयर फिर क्या है? Cross लिखना है आपको क्रॉस लिखना है यहाँ पे आएगा टेन थाउजेंड ओवर हीयर फिर एटीन थाउजेंड का हाफ नाइन थाउजेंड ओवर हीयर उज ओवर ट्वेंटी टू थाउजेंड का हाफ आएगा इलेवन थाउजेंड ओवर ईयर एंड सिमिलरली इलेवन थाउजेंड ओवर हीयर ट्वेंटी फोर थाउजेंड का हाफ तो ट्वेल्व थाउजेंड आपका अप्रैल में आ जाएगा और ट्वेल्व थाउजेंड आपका मे में आ जाएगा ट्वेंटी so, थाउजेंड का हाफ इट्स टेन थाउजेंड ओवर मे और टेन थाउजेंड इन द मंथ ऑफ जून नहीं अभी हम टोटल करेंगे टोटल सिर्फ हमको थ्री मंथस का चाहिए अप्रैल में और जून अप्रोटल ट्वेंटी थ्री थाउजेंड ओवर हिस्सर फिर टेन प्लस ट्वेल्व इज ट्वेंटी टू थाउजेंड टेन प्लस नाइन इज नाइनटीन थाउसेंड तो वेजेस में हम जो ये टोटल आया है वही हम हमारे फॉर्मेट में लिखने वाले हैं दिस इज द टोटल वी हैव गॉड एक बार आपने वर्किंग नोट बना लिया तो फिर फाइव मिनट्स का काम रहता है फॉर्मेटिंग करना काफी सिंपल है पहले हम फॉर्मेट देख लेते तो कैश बजट फॉर थ्री मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू जून 2019 थाउजेंड वी हैव द फॉर्मेट जितने मंथ्स का कैश बजट बनाना है उतने मंथ्स का आपको फॉर्मेट बनाना है पर्टिकुलर्स अप्रैल का कॉलम मे का कॉलम और जून का कॉलम देखो कैश बजट में ना दो साइड होती है एक हमारा होता है रिसिप्ट साइड तो सबसे पहले हम लिखते हैं और एक हमारा होता है पेमेंट साइड जो हम रिसिप्ट के बाद लिखते हैं रिसिप्ट में हमारे लिए सारे इनकम जो इनफ्लो होगा जो पैसा हमें मिलेगा वो हम रिसिप्ट लिखेंगे एंड पेमेंट साइड में हम लिखेंगे ऑल दी एक्सपेंसेस विच वी आर पेइंग जितना पैसा हमसे आउटफ्लो होगा वो हम पेमेंट साइड में लिखेंगे अब इसको लिखने का तरीका ध्यान से सारे मंथ्स में एक साथ मत लिख देना गलत हो जाएगा तो सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं देखो ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमेशा फर्स्ट मंथ में होगा तो एक बार क्वेश्चन देख लेते देखो कैश बैलेंस एज ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीनिफ्टीन थाउजेंड तो कैश बैलेंस है हमारा पंद्रह तो चलो फिर पंद्रह लिख देंगे हमारे फॉर्मेट में तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे पहले ओपनिंग बैलेंस जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस है हमारा फर्स्ट मंथ फिफ्टीन थाउजेंड हमेशा पहले ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट मंथ में लिखना है क्लोजिंग बैलेंस जो फर्स्ट मंथ का आएगा वही हमारा सेकेंड मंथ में ओपनिंग जाएगा अब ध्यान से अगला पॉइंट क्या लिखना है कैश सेल्स लिखना है कौन से मंथ का लिखना है अप्रैल में और जून तो चलो हमारा वर्किंग नोट देख लेते तो अप्रैल में कैश सेल्स कितना है एटीन थाउजेंड फिर सेवेंटीन थाउजेंड और सिक्सटीन थाउजेंड एटीन सेवनटीन सिक्सटीन तो ये अभी हम फॉर्मेट में लिखेंगे यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन काफी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा गलत हो सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है तो कैश सेल्स है हमारा अप्रैल का एटीन थाउजेंड मे का हमारा है सेवनटीन थाउजेंड और जून का हमारा है 16,000। थाउजेंड बाई मिस्टेक अगर फर्स्ट थ्री मंथ्स का लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा देन वी हैव टू राइट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने वर्किंग नोट बनाया था देखो मैंने आपको टिक मार्क भी करवाया था सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड एंड सिक्सटी सिक्स थाउजेंड तो यही आपको लिखना है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड एंड सिक्सटी सिक्स थाउजेंड यहां पे हम लिखेंगे सिक्सटी सिक्स थाउजेंड यहां पे हम लिखेंगे सेवेंटी थाउजेंड और यहां पे हम लिखेंगे लिखे अगेन गलत हो जाएगा आपको पेमेंट्स अभी लिखने हैं तो चलो फिर पेमेंट्स लिखते हैं सबसे पहले कैश देखेंगे तो कैश परचे अप्रैल का फाइव थाउजेंड है फिर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो चलो इसको अभी लिख लेंगे कैश परचेजेस लेस पेमेंट्स लिखना है सेम वे जैसे मैंने फॉर्मेट लिखा है वैसे ही आपको फॉर्मेट लिखना है कैश परचेजेस आपका रहेगा फाइव थाउजेंड तो यहाँ पे आएगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड और यहाँ पे आपका आ जाएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैश परचेजेस के बाद नेक्स्ट पॉइंट वी आर राइटिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स तो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है देखो पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमारा है थर्टी सेवन एट हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो सेम वे यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे आपका पेमेंट टू क्रेडिटर्स आएगा थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सेकेंड मंथ मे में आ जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड और यहाँ पे आपका आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड देन द नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट एक्सपेंसेस इज वेजेस वेजेस के लिए भी हमने वर्किंग नोट बनाया था ट्वेंटी थ्री थाउजेंड इज द टोटल ट्वेंटी थ्री थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइनटीन थाउजेंड तो चलो वो लिख लेते हैं अभी यहाँ पे आपको फर्स्ट में लिखना है सेम जैसे हमको वर्किंग नोट में मिला था ट्वेंटी थ्री थाउजेंड ओवर ईयर

एक्सपेंसेस है आपका सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड इनथ एप्रिल सिक्स थाउजेंड ऑफ मे एंड फाइव थाउजेंड मंथ ऑफ जून देन देर इज एन एडजस्टमेंट ऑन रेंट तो पहले हम रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं देखो क्या बोला है लास्ट लाइन में रेंट ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड इज पेड मंथली तो रेंट पांच सौ रुपया मंथली पेमेंट हो रहा है तो रेंट पे अभी एडजस्टमेंट है कि हर मंथ रेंट पांच सौ रुपया पेमेंट होएगा तो रेंट का इधर वैल्यू लिखेंगे 500 हर एक कॉलम में आपको 500 लिखना है बिकॉज रेंट इज पेड एवरी मंथ 500 500 और 500 ठीक है अभी क्लोजिंग का मेथड ध्यान से समझो कैसे करना है आपको सबसे पहले हम ये रिसिप्ट का टोटल करेंगे थोड़ा सा इन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए तो वी आर गोइंग टू टेक द टोटल ऑफ रिसिप्ट पहले इसका टोटल आएगा नाइनटी दिस इज योर टोटल रिसिप्ट विच इज डिनोटेड बाई अल्फाबेट ए ये आपका टोटल रिसिप्ट है हर एक कॉलम का क्लोज मत करना बिकॉज यहाँ पे अभी ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा है मैंने वो फर्स्ट मंथ को पहले क्लोज करना है फिर सेकेंड मंथ में जाएगा फिर सेकेंड से थर्ड में जाएगा अभी पेमेंट देखो ये फाइव थाउजेंड थर्टी सेवन एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड और आपने यहाँ पे दो लिखे है और ये दो कौन से पॉइंट है दैट इज सिक्स थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड इनको आपको अभी सभी को एड करना है तो इनका टोटल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं करके देखना आप सेवेंटी टू थ्री हंड्रेड आता है दिस इज योर टोटल पेमेंट्स ये है आपका टोटल पेमेंट्स अब टोटल रिसिप्ट मिला था नाइनटी नाइन थाउजेंड टोटल पेमेंट्स आया सेवेंटी टू थ्री हंड्रेड तो आपको क्या करना है रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स रिसिप्ट था हमारा अल्फाबेट ए पेमेंट्स थे हमारे अल्फाबेट बी तो ए माइनस बी नाइनटी नाइन थाउजेंड में से आपको माइनस करना है सेवेंटी टू थ्री हंड्रेड यू विल गेट दी आंसर एंड विल बी पॉजिटिव ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड विच इज यस ये आंसर नेगेटिव भी आ सकता है फिलहाल ये आंसर हमको पॉजिटिव मिला है दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस अब सिंपल चीज है अप्रैल महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मई मंथ में क्या बनेगा ओपनिंग बैलेंस जैसे एक मंथ का क्लोजिंग स्टॉक अगले मंथ का ओपनिंग स्टॉक बनता है सिमिलर वे तो ट्वेंटी सिक्स सेवन हंड्रेड अभी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सो so, मे में हमने लिखा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो ट्वेंटी सिक्स सेवन हंड्रेड सेवेंटीन और सेवेंटी थाउजेंड इन तीनों को आपको ऐड करना है तो योर आंसर विल बी वन लैख थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिमिलर करना है अभी इन सभी को ऐड करना है और वो नेक्स्ट पेज पे दो आइटम है उनको भी ऐड करना है तो वी विल गेट दी आंसर ऑफ टोटल पेमेंट्स तो टोटल पेमेंट्स यहाँ पर वैल्यू आ जाती है सेवेंटी एट थाउजेंड तो वन लैख थर्टीन सेवन हंड्रेड में से सेवेंटी एट थाउजेंड अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा थर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस लेट अस मूव टूअर्ड द नेक्स्ट पॉइंट तो अभी लास्ट हमारा जो मंथ है उसमें हम क्लोजिंग बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे थर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो यहाँ पे आप सभी को ऐड करोगे तो आएगा वन लाख सेवनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड इन सभी को ऐड करना है सिमिलरली इन सभी को ऐड करना है अगले अगले पेज पे दो आइटम्स है हमारे पास को भी ऐड करना है तो वी विल गेट द आंसर ओवर हियर एज टोटल पेमेंट्स पे आता है टोटलेंगे तो में से पेमेंट्स अगर माइनस करेंगे तो यहां पे भी आपको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस फोर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सो वेन एवर द क्लोजिंग बैलेंस इज नेगेटिव वी विल पुट अ ब्रैकेट ऐसा नहीं कि हमेशा क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव ही आता है क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव भी आ सकता है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो यही था कैश बजट का कंप्लीट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कुछ नए एडजस्टमेंट्स के साथ थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर